आगामी खंडवा लोकसभा उपचुनाव की हलचल अब बागली में शुरू हो चुकी है। लगातार भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा बागली अंतर्गत कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की जा रही है। शुक्रवार के दिन बागली की चापड़ा में गुराड़ी कला फाटा स्थित एक निजी स्कूल भवन में मंडल अध्यक्ष टिकेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मंडल स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से संभागीय संगठन मंत्री जितेंद्र लटोरिया, बागली मंडल प्रभारी गौतम सिंह राजपूत, जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, जिला महामंत्री पोपेंद्र सिंह बग्गा की उपस्थिति में कार्यकर्ता प्रशिक्षण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी वक्ताओं द्वारा बागली मंडल अंतर्गत 84 बूथ केंद्रों पर समितियां बनाने पर जोर दिया गया। वहीं आगामी चुनाव को लेकर मजबूती से कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आगामी चुनाव में किस तरह कार्य करना है, इसको लेकर सभी मंडल के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। अपने काम को नीचे तक ले जाने का निरंतर काम करती, कई लोग तो ये भी विचार करते हैं कि महिला पार्टी का दिन लगाए कि मतलब जो जनता की जनता थी जिसमें उन्हें अभिनव था, स्वर्ग से अभिनव था, वो अपनी जनाओं में समाहित किया था, वहां से फिर कुछ टापड़ा में मंडल स्तरीय बैठक आयोजित हुई है, तो क्या है पूरा मामला, इसको चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है? कह सकते हैं कि ये चुनावी संघनाद की एक हमारी मंडल कार्य समिति की चुनावी कार्यप्रणाली, आगे वाले कार्यक्रमों की पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा और आगे वाले कार्यक्रमों के लिए जिस प्रकार से हमें योजना बनाना है, इसमें मार्गदर्शन देने के लिए आज संगठन मंत्री जी और जिलाध्यक्ष जी विशेष रूप से आमंत्रित हैं। क्या बैठक में क्या निर्णय लिया गया, कार्यकर्ताओं को क्या मार्गदर्शक किया गया है? बैठक का मूल उद्देश्य का सार यही था, ऐसे तो बैठक पूरे प्रदेश में 1053 मंडलों में आयोजित की जा रही है मंडल कार्य समिति की बैठक, लेकिन बागली विधानसभा चूंकि खंडवा लोकसभा से संबद्ध है और इसी विषय में बागली मंडल की आज जो बैठक थी उसका कहीं ना कहीं चुनावी संघनाद के रूप में इस बैठक को मतलब आज आयोजित किया गया है, ताकि हम प्रत्येक बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं को तैयार करें, हम हमारे बूथ स्तर पर जो भी आगे के निर्देश आए हैं उस प्रकार से हम आगे की रणनीति बनाएंगे, पन्ना प्रमुख तक की रणनीति बनाएंगे, और यही मार्गदर्शन आज हमें माननीय जिलाध्यक्ष द्वारा दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।